हाँ, तो अब हम नया ब्लॉग बना रहे हैं और इसमें यहाँ से हम लोग भेड़ाघाट के लिए रवाना हो रहे हैं। भैया भेड़ाघाट चलेंगे अपन, ठीक है। ये बोल रहे हैं भैया कि झूठ बोल रहे हैं। चलो आप लोग यहाँ से पहुँच के बताएंगे, बने रहे वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो में नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर दीजिए। कर दो यार, क्या चाहिए यार, उतना ही से चाहिए, ठीक है। तो भैया बने रहे वीडियो में और हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर से। आप लोगों को दिखाएंगे नज़ारा, एक घंटे बाद। हाँ, आप लोगों को दिखाएंगे नज़ारा एक घंटे बाद, अभी देखेंगे तुरंत, ठीक है ना। तो आप लोगों को दिखाएंगे नज़ारा भेड़ाघाट का, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो हम लोग बस से नीचे उतर आए और जलप्रपात यहाँ से धुआंधार के मेन गेट पर पहुँच चुके हैं। हाँ, तो ये है भेड़ाघाट का मेन गेट। तो हमारे सौरभ भैया हनका कछु ज़्यादा ही जल्दी है। हाँ भैया, हमारा जल्दी है, सुना ही नहीं रहे जी, बिल्कुल ऐसे भाग रहे जैसे कौन तो चल रहे अपन धुआंधार जलप्रपात के पास में। नहीं, बने रहे वीडियो में, चल के दिखा रहे, ठीक है। पर बहुत ही श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। श्रद्धालु कौन से आलू कहा रहे, कौन श्रद्धालु आ रहे, दर्शक दर्शक। माई मिस्टेक, मोटरसाइकिल चला। और यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है, तो चलते हैं और आगे देखते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को मनमोहक दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पे छोटी छोटी मूर्ति बनाई हुई है बजरंग बली की। यहाँ पे शिवलिंग मूर्ति भी मिलती हैं। धुआंधार जलप्रपात के बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं हम लोग। यहाँ से लिफ्ट की व्यवस्था भी है, लिफ्ट के माध्यम से लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है भेड़ाघाट का। हम लोग और ही करीब जा कर के देखते हैं। बहुत ही दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु भेड़ाघाट का ये नज़ारा देखने के लिए आते हैं। और ये अति प्रिय दृश्य हम आप लोगों को दिखाएंगे, क्या भेड़ाघाट का ये इतना मनमोहक दृश्य, प्रिय इतना सुंदर व्यवस्थाएं फुल आने जाने के लिए। भेड़ाघाट भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले की लगभग मुख्यालय जबलपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक पर्यटक स्थल है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी के साथ स्थित संगमरमर की चट्टानें और 64 योगिनी मंदिर का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह जबलपुर जिला के अंतर्गत भेड़ाघाट नगर। जबलपुर से भेड़ाघाट के लिए बस, मेट्रो, टेम्पो और टैक्सी भी उपलब्ध रहती है। यहाँ कई प्रसिद्ध फिल्मों का चित्रांकन हुआ है। संगमरमर की चट्टानें, चांद की रोशनी में भेड़ाघाट की सैर अलग अलग ही तरह तरह का अनुभव रहता है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट के पास नर्मदा का पानी एक बड़े झरने के रूप में गिरता है। यह स्पॉट धुआंधार
फॉल्स कहलाता है। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह धुआंधार फॉल्स अति सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। 64 योगिनी मंदिर भेड़ा घाट के पास ही यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। यह बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ 64 योगिनी अर्थात देवियों की प्रतिमा है। 10वीं शताब्दी में स्थापित हुई दुर्गा के इस मंदिर से नर्मदा नदी दिखाई देती है। यह प्रपात भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थान है। यहाँ नर्मदा नदी की धारा 50 फुट ऊपर से गिरती है, जिसका जल सफ़ेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण से धुआंधार कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात को यूनेस्को द्वारा 20 मई 2021 को विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया है। यह धुआंधार जलप्रपात को देखने के लिए देश विदेश से बहुत से लोग बड़ी संख्या में यहाँ अपना नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। जय हिंद, जय भारत। मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी लंबी नदी है। तो हम लोग आ चुके हैं भेड़ाघाट धुआंधार का आनंद लेकर, अब जा रहे हैं अपने वापसी। जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।